बीजेपी पर मोदी की पकड़ हो रही कमजोर। पहले कृपाल परमार ने मोदी की नहीं मानी बात, अब बीजेपी नेता ओम माथुर ने दिया मोदी को चैलेंज। क्या पार्टी में मोदी का भौकाल हो रहा अब कम? हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव तो आपको याद ही होगा, ये चुनाव जहां बीजेपी हार गई थी, तो वहीं इसी हिमाचल प्रदेश के नेता कृपाल सिंह परमार ने बीजेपी से ही बगावत कर दी थी, जिसके बाद खुद पीएम मोदी ने इस मामले में दखल देते हुए उन्हें फोन किया था और चुनाव लड़ने से मना किया था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पीएम मोदी की बात को अनसुना कर दिया और निर्दलीय चुनाव में कूद गए थे। परमार का चुनाव लड़ना सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बगावत ही नहीं थी, बल्कि मोदी के खिलाफ बगावत की शुरुआत भी मानी गई। और अब शायद लगता है कि इसी का असर है कि पार्टी के एक और कद्दावर नेता ओम माथुर ने सीधे पीएम मोदी को चैलेंज दे दिया है और कह दिया है कि मैंने खूंटा गाड़ दिया तो मोदी भी नहीं हिला सकते। दरअसल राजस्थान में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाल कर अभी से तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में बुधवार को अजमेर के पास स्थित पर्वतसर में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय नेता और पूर्व सांसद ओम माथुर भी शामिल हुए थे। और इसी रैली में उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मचा दिया। उन्होंने मंच से ही कह दिया कि अब मैं केंद्रीय चुनाव समिति में हूँ, कोई गलतफहमी मत पाल लेना, कार्यकर्ताओं को किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं जहाँ खूंटा गाड़ दूंगा वहाँ मोदी भी नहीं हिला सकते। आने की जरूरत नहीं, मैं तो लगभग हिंदुस्तान के साथ लगभग सब प्रदेशों में प्रभारी रहा हूँ। और मैं देखा हमारे घोर विरोधी भी आज मोदी की झुंझुना बजाने लगे, तो हमको बजाने में क्यों डर लगना चाहिए? और इसलिए हम सब लोग आगामी 23 को ध्यान में रख करके चुनाव में पूरी ताकत से जुटे, पूरी लगनता से जुटे, पूरी योजना से जुटे। गलत फहमी मत पाल दो भाई, अब तो मैं केंद्रीय चुनाव समिति का मेंबर हूं। ये जयपुर वाला कह रही लिस्ट दे दी ना, तुम हर गांव की एक एक मत जानो, ध्यान रख जाओ, कोई गलत फहमी मत पाल। और मैं फूटो गाड़ दू ना तो कुछ मोदी भी नहीं हिला सका, मान मानते हैं तो। बीजेपी के कद्दावर नेता ओम माथुर ने जनता की तालियां बटोरने के लिए बयान तो दे दिया, लेकिन इस बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की जमकर फजीहत हो रही है। अभिषेक गोयल नाम के यूजर ने लिखा, यह है प्रधानमंत्री की इज्जत। विनीता जैन नाम के यूजर ने लिखा, राजस्थान के भाजपा नेता ओम माथुर ने भाजपा आलाकमान को दी चुनौती। बीजेपी के एक समर्थक ने तो यहाँ तक कह दिया कि ओम माथुर के बयान ने बीजेपी में फूट डालने का काम किया है। अगर कोई नेता बगावत का झंडा बुलंद करता है तो क्या पार्टी को उसे रोकना चाहिए? पीएम मोदी के खिलाफ बीजेपी नेता ओम माथुर के दिए बयान के बाद सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो उनके बयानों का विरोध भी हो रहा है। जबकि सियासी पंडितों का मानना है कि राजस्थान बीजेपी में नेताओं के बीच सीएम फेस को लेकर जारी प्रतिस्पर्धा की वजह से खेमेबंदी चरम पर है। ऐसे में वरिष्ठ बीजेपी नेता ओम प्रकाश माथुर ने बयान देकर हताश हो रहे कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। उन्होंने ये बात भी साफ तौर पर कह दी कि कोई ये गलत फहमी मत पाल लेना भाई कि जयपुर वाले नेता ही टिकट फाइनल करेंगे, अब तो मैं केंद्रीय चुनाव समिति का मेंबर हूँ, ये जयपुर वाले कैसी भी लिस्ट भेजेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो भी इंसान कमल का फूल लेकर आए आपको उसे जिताना है, पार्टी का चेहरा कोई भी हो सकता है, जो भी चेहरा होगा बहुत खूबसूरत होगा, चेहरा कौन होगा ये सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगा। किसी ने सोचा था क्या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसकी चिंता छोड़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ जोर शोर से जुट जाए। पीएम मोदी के खिलाफ बयान देकर सियासी खलबली मचाने वाले बीजेपी नेता ओम माथुर के बारे में थोड़ा और आपको बता दें, वो उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के प्रभारी रह चुके हैं। मूल रूप से राजस्थान के ही पाली जिले के फालना गांव के रहने वाले ओम माथुर इस समय छत्तीसगढ़ के प्रभारी होने के साथ साथ केंद्रीय चुनाव समिति में सदस्य की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। बहरहाल इतने जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद जिस तरह से ओम माथुर ने पीएम मोदी के खिलाफ बयान दिया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।